अगर 5 मिनट में कुछ हेल्दी अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाना हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि एकदम बैटर वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में मिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा, इससे हमारे नाश्ते में क्रंच आएगा। अब हम वापस से इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, साथ ही 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाते जाना है। तो इस तरह से हमारा सॉफ्ट सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके तो देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम अच्छे से सेट हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू निचोड़ कर। तो देखिए इस तरह से मैंने 1/2 नींबू को निचोड़ कर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन रखा है, जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से पैन की हर तरफ इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब बैटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब बैटर ऐड कर दिया है और इस तरह से इसे एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। हमें इस स्टेज पर गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अब एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक साइड से एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए इसे कलर कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी एकदम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे उलटते पलटते दोनों साइड से एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।